गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज निखिल अकवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि जो पॉइंट चार्जेस रहते हैं, दो चार्जेस रहते हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। दो चार्जेस रहते हैं, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं या कितने फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो कौन बताता है अपन को? कूलम्ब्स लॉ बताता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कैसा होता है ये। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, r डिस्टेंस की दूरी पर है ये दोनों। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इनका जो प्रोडक्ट लेंगे, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। सेकेंड जो होता है ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच में जो भी डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे अपन ने माना r है, ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होता है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी टाइप का लॉ अपन ने लास्ट में भी पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे ये किसके लिए वैलिड है, कि चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं अपन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, ठीक है, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, चार्जेस किसान होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, बड़े चार्जेस नहीं चाहिए, एक्सटेंडेड चार्जेस नहीं चाहिए अपन को। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, इन चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, एंड एक्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, वो कहां पे एक्ट करता है, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है, इनके सेंटर्स को, उसी में ये क्या करता है, एक्ट करता है। इतना क्लियर है, तो ये हो गया अपना इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन इसका फॉर्मूला भी फॉलो करते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले Q1 Q2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको ध्यान रखना, जो 1/r² होता है इसको अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे अपन, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब 1 और 2 को अपन कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r². लास्ट टाइम भी देखा था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या लग जाएगा, f इज इक्वल्स टू k
q1 q2 by r square, ठीक है। तो ये अपना हो गया कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर ये जो k है ना, k, इस k की वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि कौन से मीडियम में अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वैक्यूम में कैलकुलेट कर रहे हैं या कोई दूसरा मीडियम है, गैसियस मीडियम में या किसी जिस मीडियम में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, फॉर फ्री स्पेस या अपन बोले वैक्यूम, है ना, खाली होता जहां पर कुछ भी नहीं है, है ना, वहां पर ये जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वहां पर होती है ये 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये होती है के की वैल्यू, इतना क्लियर है। ये वैल्यू अपन को याद रखना है, बहुत बार अपने पास जो वन मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें अपन को ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना है, इतना क्लियर है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं यहां से ऊपर से जो अपन ने समझ लिया है। जब अपन फ्री स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, है ना, तब यहां पे जो k होता है ना, k अपन क्या लिखते हैं, f इक्वल्स टू, ये जो k है, k की वैल्यू हो जाती है 1/4 pi epsilon, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं परमिटिविटी, बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बोलते हैं सिर्फ एप्सिलॉन होता है तो उसे परमिटिविटी बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये भी अपन देखेंगे आने वाले लेक्चर में कि क्या क्या होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये भी अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो 1/4 pi epsilon की वैल्यू है, ये अपन ने k की जगह ही लिखा, k की जगह पे लिखा 1/4 pi epsilon वैल्यू, तो 1/4 pi epsilon की वैल्यू तो क्या होगी, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर अपन यही सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू की बात करें, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की, तो ये क्या उतनी होती है, ये होती है 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होती है एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपने पास एफ का ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। तो अपन को क्या क्या याद रखना है, एक तो स्टेटमेंट याद रखना है, इसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ ये बताना है अपन को, k की वैल्यू ध्यान रखना है कि k की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, अगर k की जगह डायरेक्ट पूछते हैं 1/4 pi epsilon की वैल्यू क्या होती है तो भी अपन को क्या बताना है, ये बताना है, और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जाती है तो 8.85×10⁻¹2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इनकी यूनिट अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत बार यूनिट भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने जो अपना कूलम्स लॉ था ये भी पढ़ लिया, अब कुछ चीजें और देखते हैं इसमें अपन, ठीक है। लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था कूलम ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ। तो इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशन लॉ एंड कूलम्स लॉ, ठीक है, क्या सिमिलरिटी होती है देखते हैं। तो जो पहली सिमिलरिटी होती है, देखो दोनों में अपन ने क्या देखा कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r² के, ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो ये दोनों ही होते हैं जो ग्रेविटेशन लॉ और कूलम्स लॉ, ये किसको फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ,
इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करते हैं। सेकेंड क्या होता है, दोनों जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, भले अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या कूलम्ब फोर्स की बात करें, ठीक है, तो दोनों जो फोर्स है, है ना, ये दोनों फोर्स कहां पे एक्ट करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है, जो सेंटर्स रहते हैं उनकी, उनके बीच में जो लाइन उनको ज्वाइन करती है वहां पर ही वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोथ एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दो सिमिलरिटी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इनके बीच में क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन ग्रेविटेशन लॉ एंड कूलम्स लॉ, ठीक है, मैं लॉ बोलूं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं या जो कूलम्स फोर्स होता है वो बोलूं, है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहां पे अपन फोर्स लिख दो तो वो ज्यादा बेटर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो देखते हैं अपन। तो पहला जो डिफरेंस होता है, तो अपन बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एफ जी, है ना, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। अपन ने बोला था ना लास्ट ईयर कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, है ना, तो ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन वही बात करें वाइल, ये कौन सा है, कूलम्स फोर्स, एफ सी इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो होता है अगर ऑपोजिट चार्जेस आएंगे, एस वेल एस रिपल्सिव, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, अगर सेम चार्जेस आएंगे पास में तो वो रिपेल करेगा, ऑपोजिट आएंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अपन किसी भी मीडियम में चल जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उतना ही रहेगा। व्हाइल कूलम फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, लेकिन ये जो होता है ना ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जहां अपन ने देखा था अपन ने जो कांस्टेंट लगाया के लगाया था कूलम्स फोर्स में, उस के की वैल्यू चेंज हो सकती है जो अपन मीडियम को भी चेंज कर दें, ठीक है, अपन ने जो वैल्यू लिखी थी वो किसके लिए लिखी थी, फ्री स्पेस के लिए लिखी थी, वैक्यूम के लिए लिखी थी, लेकिन अगर वहां पर मीडियम चेंज होता है तो वहां पर भी क्या होगी, उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कूलम्ब फोर्स जो होता है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, ये अपने पहले दो सिमिलरिटी देख ली और फिर अपन ने दो डिफरेंस भी देख लिए, ठीक है, तो अपना कूलम्ब लॉ भी हो गया, इसके बाद सिमिलरिटी विद ग्रेविटेशनल लॉ भी हो गया और डिफरेंस भी हो गया ग्रेविटेशनल और कूलम्ब के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ लिखा, अपन ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में क्या सिमिलरिटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।